तो आप देख रहे हैं ओटीटी क्रेजीज। मेरा नाम सूर्य है और आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ 14 फेरे नाम की फिल्म को लेकर। Z5 पर ये फिल्म कल रिलीज हुई देर रात और यहाँ पर विक्रांत मसे, कृति खरबंदा नजर आ रही है मेन लीड भूमिका में। इसके अलावा करेक्टर रोल्स में वीर कुमार नजर आ रहे हैं जो यहाँ पर जो अपने हीरो है विक्रांत मसे के, उनके पिताजी बने हैं। वहीं कहीं ना कहीं इस फिल्म में गौहर खान भी है जिसे दिल्ली की मेरिल स्ट्रीट अभी कहा जाता है। तो फिल्म आखिर क्या है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। ये दोनों लवबर्ड्स आप समझ सकते हो कॉलेज में मिले और एक दूसरे से प्यार हो गया। सीनियर होती है यहाँ पे कृति खरबंदा जिसका नाम अदिति होता है, विक्रांत मसे का नाम होता है कहीं ना कहीं संजय। तो संजय अदिति प्यार करते हैं एक दूसरे से, लेकिन दोनों की फैमिली काफी ऑर्थोडॉक्स बैकग्राउंड से है, यानी कि गांव के रूढ़िवादी परिवार है। यानी कि सीधे तौर पर बात यही है कि विक्रांत मसे और कृति खरबंदा यानी कि संजय और अदिति को पता होता है कि उनकी फैमिली किसी भी हद तक इस शादी के लिए एग्री नहीं करेंगी, क्योंकि संजय राजपूत कम्युनिटी से बिलोंग करता है और जाट कम्युनिटी से बिलोंग करती है कृति खरबंदा यानी कि अदिति। अब संजय के पिताजी उसको किसी तरह से जानबूझकर बुला लेते हैं गांव में और बाद में पता चलता है उसे शादी तय करने वाले होते हैं। बड़ी हिम्मत करके संजय अपने पिताजी जो कि ऑर्थोडॉक्स है ना, स्वभाव वाले हैं यानी कि विनीत कुमार, उनसे कहते हैं कि पापा आप कहाँ मेरा शादी इससे करा दो, मेरी गर्लफ्रेंड है, आप मेरी बात सुनो, मेरे को गोली मत मारो, मेरी बात सुनो, उससे मेरी शादी करा दो, जितना आप दहेज 50 लाख मांग रहे हो उससे ज्यादा वो कमा लेती साल भर में। और इसके हिसाब से उसका पिताजी यानी कि संजय का पिताजी थोड़ा लालच में भी आकर सोचता है तो अच्छा लॉजिक, कोई भी अपने बच्चे का फायदा ढूंढेगा ना। तो अब दोनों अब यहाँ पे झूठ तो बोल दिया है यहाँ पर संजय ने। अब संजय किस तरह से उस झूठ पर पर्दा डाल पाता है वो इस फिल्म की पूरी कहानी है। वो एक थिएटर एक्टर भी रहता है इस फिल्म में संजय, साथ ही साथ अपना एक काम भी करता है कहीं कंपनी में, वो भी उसके साथ अदिति के साथ। अब ये एक फेक फैमिली बनाता है संजय, जिसे कि गौहर खान को माँ बना लेता है और बहुत अच्छे एक्टर है उन्हें पिताजी का रोल दे देता है। तो अब वो फेक पिताजी और फेक माँ के साथ किस तरह से वो क्या गेम खेलता है और किस तरह से 7 की जगह 14 फेरे किए जाते हैं ताकि किसी तरह से दोनों के परिवार को, लड़की के परिवार को भी और लड़की के परिवार को बेवकूफ बना के ये दोनों शादी कर ले। क्या इस फेक प्लानिंग में, इस झूठे एक माँ बाप को जो पैदा करके, क्या ये लोग शादी कर पाएंगे, क्या इनका भांडा खुलेगा या पोल इनकी खुल जाएगी, इस फिल्म की कहीं ना कहीं कहानी है। एक कमाल की फिल्म जो बहुत बढ़िया तरह से स्टार्ट होती है लेकिन एंड होते होते इसका टाइम टाइम फिश हो जाता है। स्टोरी बेहतर तरह से लिखी गई है लेकिन एट द एंड ऑफ जाके ये डाउन हो जाती है। आजकल फिल्मों का मैं यही देख रहा हूँ, स्पेशल बॉलीवुड फिल्मों का स्टार्ट ऐसे होती है, एंड ऐसे होती है, या तो स्टार्ट ऐसी होती है एंड ऐसा होता है। मतलब एक ऐसे बैलेंस वाली फिल्म बहुत कम देखने को मिल रही है जो स्टार्ट टू एंड बहुत ही कमाल है। 1 घंटा 52 मिनट की फिल्म है, बहुत ज्यादा बड़ा रन टाइम नहीं है जो काफी बेहतर है। और फिल्म काफी कलरफुल है, डायलॉग बाजी काफी अच्छी है, राइटिंग में भी थोड़ी मेहनत की गई है। लेकिन आप क्या है ना, एक चीज को अगर स्टार्ट टू एंड बेहतर तरह से ना पेश कर पाए तो वो फीकी लगती है, समझ रहे ना। यानी कि आप बेहतर से बेहतर चीजें आपने फर्स्ट हाफ में दिखा दी, सेकंड हाफ आपका एकदम डाउन हो जाता है, डाउन द लाइन चल जाता है। तो वैसा कुछ यहाँ पर फिल्म लगा। देवांशु सिंह की डायरेक्शन है और फिल्म आप 14 फेरे जिसे मैं कहूंगा, इसे मैं ज्यादा से ज्यादा 2.5 स्टार दे सकता हूँ 5 में से। ये और बेहतर हो सकती थी, म्यूजिक इसका ठीक है, नो डाउट म्यूजिक मुझे अच्छा लगा। कैरेक्टर्स गौहर खान को मैं इस तरह का एक अलग तरह कैरेक्टर में देखकर मुझे काफी सरप्राइज हुआ। विनीत कुमार जो संजय यानी कि हमारे विक्रांत मसे के डैडी बने हैं, उनका भी रोल अच्छा, उनकी माता का भी रोल अच्छा। तो यानी कि कैरेक्टर्स ठीक ठाक है, कुछ चीजें और बेहतर हो सकती थी, स्टिल मेरी फिल्म मुझे हंसने में कामयाब रही, इसलिए मैं इसे 2.5 स्टार दे रहा हूँ 5 में से। And I want each and everyone to watch this film on Z5 without a doubt, without a delay, and you will definitely enjoy it. And it's a family film, you can watch it with family also. There is nothing wrong in that. तो कुल मिला के आपको ये फिल्म कैसी लगी जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बहुत कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट मत कीजिए। It's a good film, still it's a good film. चलिए फिर आगे इतना ही, bye bye.